से आ गया है चुनाव का मौसम। आसमान से वादे बरस रहे हैं, बयानों की बौछार हो रही है, आश्वासनों की आंधी चल रही है और मासूम जनता इस चुनावी बयार को खड़ी खड़ी ताक रही है। जिस जनतंत्र में जनता को मालिक का स्थान दिया गया है, उसी मालिक के सामने उसके नौकर यानी राजनेता अपने एहसान गिनवा रहे हैं। ये देखिए नजारा है छत्तीसगढ़ का, जहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैसे चुनावी रैली में शेखी बघार रहे हैं कि उन्होंने जनता के लिए क्या क्या किया। 5 साल पहले राहुल जी कह रहे थे कि हम किसान के ऋण माफी करबो, 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी करबो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदबो, बिजली बिल हाफ करबो, 35 किलो चावल हर परिवार ले देबो। ये बात राहुल जी कह रही थे, ये सब काम हो कि नहीं हो? हाथ उठाक बताओ, हो कि नहीं हो? ज्यादा हो गए राहुल जी तो 2500 केरी से। वैसे भूपेश बघेल जिस धान की खरीद को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, उसके बारे में पीएम मोदी ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि कैसे केंद्र सरकार द्वारा की हुई धान की खरीद को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने खाते में गिनवाकर वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पूरी कांग्रेस को झूठा करार दिया। इतना झूठ बोलते हैं आप, देखिए पिछले 9 सालों में ही भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों से 1,00,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा है। ये दिल्ली की भाजपा सरकार ने खरीदा है और यहाँ कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं ये पैसे उन्होंने दिए हैं। धान की खरीद का पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में जमा हो, बिचौलियों के पास न जाए, ये प्रबंध भी आपके मोदी ने पक्का कर लिया है। इसलिए छत्तीसगढ़ के धान किसानों की खुशहाली की गारंटी भी भाजपा ही दे सकती है और मेरे धान किसान मेरी गारंटी पे। वैसे देखा जाए तो चुनाव का समय आम जनता के लिए बड़ा ही दिलचस्प होता है। ऐसी ऐसी बातें सामने आती है जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ऐसे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठता है जिनके बारे में 5 सालों तक कोई जिक्र तक नहीं करता। अब जरा गृह मंत्री अमित शाह को ही देखिए, उन्होंने भूपेश बघेल के ऐसे राज का पर्दाफाश किया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। मैं इतने लंबे समय से राजनीति में हूं, 1980 से मैंने गाय के गोबर में पैसा खाने वाला आदमी मेरे जीवन में नहीं देखा है। रोड में खाने वाला देखा, कोयले में खाने वाला देखा, बिजली गाय के गोबर, क्या दिमाग दिया है उनको भगवान ने, अरे राम राम राम, गाय के गोबर में भी पैसा खा गए। उन्होंने गोठान घोटाला 1300 करोड़ का किया, पीडीएस घोटाला 600 करोड़ का किया, महादेव ऐप का घोटाला 5000 करोड़ का किया, पब्लिक सर्विस कमीशन पैसा लेकर योग्य युवाओं को नौकरी न देकर उनके चट्टे बट्टे को नौकरी दी। स्थिति ऐसी आई कि दलित युवाओं को निवस्त्र होकर इनके खिलाफ रायपुर में रैली निकाली। अरे शर्म करो भूपेश, शर्म करो। अब समय है चुनाव का, जिस पर उदय इंडिया डिजिटल अपनी खास कवरेज पेश कर रहा है। देश के 5 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं, जिसकी मतगणना 3 दिसंबर को होने वाली है। इस बीच चुनाव का हर रंग हम आपके सामने पेश करेंगे, जो आपके लिए शिक्षाप्रद होगा और मनोरंजक भी। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।